इधर आसाम में वैक्सीन की कमी 10 अप्रैल यानी कि आज सुबह तक। प्रदेश में बची हुई सिर्फ 5,55,882 वैक्सीन की डोज। प्रदेश में औसतन हर दिन 5,00,000 लाभार्थियों को वैक्सीन लगाई जा रही है और यही टारगेट कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने लिया है वैक्सीनेशन के लिए। और कल से अगर देखा जाए तो प्रदेश में 90% से ज्यादा सेंटर्स पर वैक्सीन लगेगी ही नहीं क्योंकि उपलब्ध ही नहीं है। अभी तक प्रदेश में 1,51,05,680 वैक्सीन पहुंची है जिनमें से 95,76,729 लाभार्थियों को लगाई गई है। 3,83,069 वैक्सीन की डोज बर्बाद भी हुई है, यह भी आंकड़ा राज्य सरकार की तरफ से दिया गया है। 4,99,446 लाभार्थियों को औसतन हर दिन वैक्सीन लग रही है। जीमीडिया संवाददाता आशुतोष हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है। आशुतोष, निश्चित रूप से लाखों वैक्सीन बर्बाद हो गई, अगर शायद नहीं हुई होती तो आज लोगों के काम आ रही होती, लेकिन पैरेलल चूंकि दोनों प्रोग्राम चल रहे हैं, एक तरफ कोरोना को रोकने के लिए वैक्सीन और दूसरा लगातार आने वाले आंकड़े और लोगों को जागरूक किए जाने के लिए तमाम कार्यक्रम, लेकिन स्थितियां अभी भी भयानक। देखिए, लगातार जैसे हमने कल ये खबर दिखाई थी कि राजस्थान में जो वैक्सीन की कमी है वो आने वाले दिनों में हो सकती है क्योंकि सरकार की तरफ से जो टारगेट था उसको बढ़ाया गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया और तकरीबन 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को एक दिन के अंदर वैक्सीनेट किया भी गया है। अब ऐसे में राजस्थान के अंदर जो वैक्सीन है उसकी बड़ी तादाद में कमी हो चुकी है। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को इस संबंध में पत्र लिखा भी गया है कि जल्द से जल्द हमको वैक्सीन की डोज उपलब्ध करवाएं क्योंकि राजस्थान में संक्रमण की जो गति है कोरोना की वो तेजी से बढ़ रही है। आज फिर जयपुर के अंदर रिकॉर्ड जो केसेस हैं वो दर्ज किए गए हैं, तो संपूर्ण राजस्थान के अंदर वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो हर जिले के अंदर रफ्तार से चल रहा है और यही एक बड़ा कारण है कि हम मान के चल रहे थे कुछ दिन पहले तक कि 7 दिन तक की जो वैक्सीन की डोज है वो राजस्थान के पास मौजूद रहेगी, लेकिन जिस तरीके से लक्ष्य को प्राप्त किया गया है, एक दिन के अंदर 4,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया, अब राजस्थान में मान के चला जाए लगभग कल बड़े जो सेंटर्स हैं उन सेंटर्स पर वैक्सीन नहीं लग पाएगी। उसका बड़ा कारण ये कि राजस्थान के पास अब वैक्सीन नहीं है। क्या आज देर शाम तक क्योंकि कयास लगा के देखा जा रहा था कि केंद्र सरकार को जिस तरीके से पत्र लिखा गया उसके बाद में कुछ वैक्सीन की जो डोज है वो राजस्थान को प्राप्त हो सकती है, तो कल सुबह तक संभव था या आज देर शाम तक ऐसी कयास लगाए जा रहे थे कि वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन अब ऐसी कोई नई जानकारी सामने नहीं आई है कि वैक्सीन की कोई बड़ी खेप जयपुर पहुंची हो या उदयपुर पहुंची हो। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि केंद्र सरकार को जो पत्र लिखा गया है उस पर तुरंत प्रसंज्ञान लिया जाएगा और राजस्थान का जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम है वो सतत प्रक्रिया के तौर पर लगातार चलता रहे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशुतोष जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर राजस्थान में कोरोना का क्या हाल है, जो आंकड़े हैं वो डरा रहे हैं। फिर से कोरोना का विस्फोट राजधानी जयपुर में देखने को मिला है। 657 नए मामले सामने आए हैं और कल का जो आंकड़ा था वो भी करीब करीब इसी के आसपास का था। राजस्थान में कोरोना का कहर कैसे जारी है, राजधानी जयपुर में कोरोना का विस्फोट हुआ है और आज जो नए मामले सामने आए हैं 657 उनकी संख्या बताई जा रही है।